नमस्कार दोस्तों, mastguru.com के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों को याद करने वाले एक आसान से फॉर्मूला के बारे में। दोस्तों, इस ट्रिक से आप भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं। ये फॉर्मूला है, 55 में MBA किया। दोस्तों, इस फॉर्मूला में बचपन और MBA ये दो वर्ड ही सारे देशों के नाम इन दोनों वर्ड्स में से निकल जाते हैं। अब पूरा फॉर्मूला है बचपन में MBA किया, तो आइए जानते हैं कौन से वर्ड का क्या मतलब है। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं बचपन। बचपन में BA से बांग्लादेश, CH से चाइना, PA से पाकिस्तान, N से नेपाल। तो बचपन में हम ये बचपन वर्ड से हमें चार कंट्रीज पता कर सकते हैं। इसके बाद MBA, बचपन में MBA, M म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। तो दोस्तों, ये सात देश भारत की सीमा के साथ लगते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं हमारे देश के पड़ोसी देशों के बारे में, तो उन पर्टिकुलर कंट्री का, उस पर्टिकुलर कंट्री का जो बॉर्डर है, उस हर एक बॉर्डर का अपना एक नाम है, जो कि अगेन GK में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है कि ये बॉर्डर जो ये नाम है, ये इंडिया के साथ किस कंट्री के बॉर्डर का नाम है, तो ये जानना भी ज़रूरी है। दोस्तों, जो बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है उसे हम बोलते हैं बॉर्डर ऑफ पूर्वांचल। जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है उसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। नेपाल और इंडिया के बॉर्डर को बोलते हैं रेडोलिफ लाइन। म्यांमार के साथ जो इंडिया का बॉर्डर है उसका नाम है इंडो बर्मा बैरियर। भूटान और इंडिया का जो बॉर्डर है उसे बोलते हैं इंडो भूटान बॉर्डर। और अफगानिस्तान और इंडिया के साथ जो बॉर्डर है उसे बोलते हैं दुरान लाइन। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके अलावा हम ऐसे इम्पॉर्टेंट और जानकारी वाले वीडियोस लाते रहेंगे, उसके लिए आप mastguru.com का YouTube चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको वो वीडियोस आपके YouTube फीड में मिलते रहें। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। Take care, bye-bye, thank you.